3, 4 is outside of the material world. जो आउटसाइड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड है वो क्या है? शाश्वत जगत। ये भौतिक जगत है, वो शाश्वत जगत है। इंग्लिश में स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कह सकते हैं और वैकुंठ की भी संज्ञा दी जाती है कि सारा जो शाश्वत जगत है उसको वैकुंठ भी हम कहते हैं। वो 3/4 ऑफ द टोटल है और ये मृत्यु लोग 1/4 ऑफ द टोटल। दैट्स द साइज। पॉपुलेशन हो सकता है और रिपोर्ट में और भी ज्यादा है उसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि हम समझते हैं अरे सब तो पाप कर रहे हैं, हम भी थोड़े से कर लें। और जो पाप तो कर रहे हैं वो सब पापी है ना। हम समझते हैं कि नहीं ये पापी नहीं है, अच्छे लोग हैं, वो भी पाप कर रहे हैं तो फिर हम भी अच्छा, हम भी पाप कर रहे हैं। नहीं, हम सब पहले ही पापी हैं, इसीलिए हम यहां आए। नहीं तो यहां आने की आवश्यकता नहीं। कहां रहते? श्री राम के धाम में, गोलोक, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, अयोध्या धाम और उसके अलावा भी अनंत कोटि ग्रह है, प्लैनेट्स है, या उनको कहते हैं रियलिटी। जैसे लॉर्ड नरसिंहदेव का अपना धाम है, वराह देवी का अपना है, मत्स्य का अपना है, जहां से वो आते फिर वापस चले जाते। तो ये सब वैकुंठ के अंतर्गत आते हैं। जो वैरायटी है वहां पे यहां से कहीं ज्यादा है। हमें जो कुछ सुख हम समझते हैं कि यहां पे मिल सकता है वो रियल में सुख नहीं है, वो परसेप्शन है सुख का। सुख का परसेप्शन है। जैसे कि मछली के लिए कोई मछली पकड़ने वाला एक छोटा सा टुकड़ा मांस का, जीव का, वर्म का वो डाल के रखता है अंदर का, क्या वो मछली को खिलाना चाह रहा? नहीं, खिलाना नहीं चाह रहा। जैसे ही मछली आके उसमें मुंह मारेगी उसका कांटा जो है उसके गले में अटक जाएगा, फिर ये उसको खींचेगा। तो जो कुछ भी सो कॉल्ड सुख इस संसार में है या हैप्पीनेस है उनके साथ में वो अंदर कांटा लगा हुआ है। जैसे ही हमने वो सुख में मुंह मारा तो कांटा फिर ऊपर उठा लिया जाएगा। हम हमारा शरीर कुछ भी एंजॉय करने के लायक नहीं। कितना कष्ट ये शरीर हमें दे सकता है उसका कोई अंत नहीं। कितना कष्ट दे सकता है? जितने बाल हमारे शरीर पे, किसी के पास है गिनती? राउंड अबाउट सारे शरीर पे सारे बाल गिनने, उतना कष्ट प्राप्त हो सकता है। और सुख कितना प्राप्त हो सकता है? कितना सुख हमें इस शरीर में प्राप्त हो सकता है? किडनी, लीवर और पेट और ये सब चीज अगर किसी की ठीक हो, स्वस्थ हो, तो सुबह उठ के फील होता है ओ या माय किडनी इज डूइंग रियली गुड टुडे। फील होता है किसी को? नहीं।
वो किडनी आपको सुख नहीं दे सकती, लेकिन जब वो गड़बड़ करेगी तो दुख बहुत जबरदस्त देगी, इतना भयंकर दुख देगी, बिल्कुल वो कांटे वाला जो एग्जांपल है ना, वो कांटा लगता है उसमें। मुझे नहीं लगता अभी यहां पे बैठे हुए आप सब यंग लोग किसी ने भी फील किया होगा, लेकिन वो किडनी में पथरी हो जाती है, वो कांटे की तरह लगती है। इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ पेन, बहुत दुख दे सकती है लिवर है आपका, कभी भी कोई सुख नहीं देगा। घुटना कभी कुछ सुख दिया है नहीं, लेकिन जिस दिन दर्द हो जाए उस दिन ओ माय गॉड यू विल नॉट, क्यों नहीं इसको काट के फेंक दूं कहीं। जब हम रात को कभी अंधेरे में चल रहे हो तो खाट का पाया कभी कभी उससे पैर टकरा जाता है, किसी का टकराया कभी? कितना कष्ट होता है, होता है ना, कितनी बार टकराया, किसी का एक से ज्यादा बार टकराया कभी? तो वो कष्ट अगर जो हम सारे जोड़ दें, जितनी बार हमारा वो टकराया है उसके सारे कष्ट अगर हम जोड़ दें और वो कष्ट एक बार हो जाए तो प्राण निकल जाएंगे शरीर से, किसी के नहीं देखेंगे इतना कष्ट। लेकिन भगवान हमें वो कष्ट को भूलने की क्षमता भी देते हैं, बड़े आसानी से भूल जाते हैं। जब तक मैंने याद नहीं कराया था, किसी को याद था जब लास्ट टाइम टकराया था? याद कराया तो याद आ गया, लेकिन वैसे याद नहीं रहता है अपने आप से, रहता है? वो तो जब अगली बार टकराया करता था तो पिछली बार भी यही हुआ था। क्यों नहीं हटा दे इस खाट को यहां से? तो सुख बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ा सा, जैसे कि टेस्ट में सुख है, गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है, राइट? कहां पे? जीभ के इतने पार्ट से लेके इतने तक बस, उसके बाद अंदर गुलाब जामुन गया या करेला गया कौन सा कुछ फर्क है? टेस्ट आना शुरू होगा यहां से और यहां तक, दैट्स इट। उसके बाद अंदर क्या गया है हमें नहीं पता, वो शुक्र है भगवान का नहीं पता, क्योंकि अंदर का भी टेस्ट अगर आना शुरू है तो बहुत कुछ, राइट? तो अच्छा है कि नहीं आता, क्योंकि हर गुलाब जामुन को क्या बनना है? चोर बनना। वो गुलाब जामुन को ये मशीन जो है वो कुछ और बना देगी, जलेबी डालो तो वो ही सेम ही बनाएगी, कोई फर्क नहीं, जलेबी डालो गुलाब जामुन डालो उसमें, कोई करेला कोई और कड़वी चीज कुछ भी डालो, रिजल्ट क्या है? सेम, कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला। तो जो स्वाद है यहां से लेके यहां तक बस, लेकिन डायबिटीज का खतरा यहां से लेके यहां तक नहीं, वो पूरे शरीर में, जितना ज्यादा शुगर उतना डायबिटीज का प्रॉब्लम, जितना ज्यादा नमक उतना फिर हार्ट ब्लड प्रेशर उसका प्रॉब्लम। सो हर चीज में हुक लगा है, कड़वा खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कितना खाओगे कड़वा? कौन खाएगा तीन टाइम करेला? Might as well not eat। खाली करेला देना है तो रहने दो, मुझे नहीं खाना।
व्रत कर दोगे, लेकिन तीन टाइम करेगा।